कहा था कि ये भाजपा का टीका है। अरे दिखा दिया भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल कांग्रेसियों को नहीं पूरे विश्व को दिखा दिया कि जो देश पूरे विश्व से आयात करता था टीके का 50-70 वर्षों के लिए, वही देश कोरोना काल में भारत से निर्यात कर रहा है टीकों का, पूरे विश्व को टीका दिलवा रहा है। जो लोग आलोचना करते थे ना पिछले दिनों में, वही लोग भागे भागे जा रहे हैं अस्पताल में। हम उस दल के सिपाही हैं जो कहते हैं कि जान जाए, और कुछ लोग जो कहते हैं कि वचन जाए। हीरेंद्र मंत्री, पिछले बार आपने मुझे यहां निमंत्रण किया था स्वर्गीय मूल सिंह जी की याद में, कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में मुझे याद है मैंने घूम के इस नौजवान को कहा था कि क्या केवल भाषण दिलवाओगे? दोहराओगे? पांच किलोमीटर की दौड़ थी, अब बारी है आपकी दौड़ने की भी और दौड़ाने की। सही है कि नहीं? अरे राहुल की तालियां। जोहाई में आपको यहां दिख रहा है, यही सड़क यहां से गुना जाने के लिए, यहां से ग्वालियर जाने के लिए, यहां से भोपाल जाने के लिए, यहां से देवास जाने के लिए आप लोगों को 24 घंटे लगते थे। मैं आपका सांसद नहीं था, मैं आपका जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो दिल का रिश्ता आप लोगों के साथ है। 4000 करोड़ रुपए का 400 किलोमीटर का हाईवे बना के मैंने आप लोगों के लिए भी समर्पित किया मेरे भाई और बहनों। पिछले माह जो आप लोगों की लंबी मांग थी कि ग्वालियर गुना की रेलवे लाइन की विद्युतीकरण होनी चाहिए, जहां डीजल का लोकोमोटिव चलता था वहां बिजली का लोकोमोटिव चलना चाहिए, और पिछले माह उसका उद्घाटन हमने कर दिया ताकि तीव्र गति से आवागमन की सुविधा यहां हो। मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और गुना और बमोरी और आसपास से आई हुई मेरी देश तुल्य समस्त मेरी जनता जनार्दन, आप सबको दिल की गहराइयों से प्रणाम। बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी, एक ललक थी, एक आवाज थी, कि गुना शिवपुरी अशोकनगर के बिना, यहां आके बिना दिल में सुकून नहीं होता, और आज वो दिवस संभव हो पाया है। आप सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। जो भव्य स्वागत भोपाल से होते हुए नरसिंहगढ़ ब्यावरा रावगढ़ रुठियाई समस्त क्षेत्र से
गुना तक आप सब लोगों ने जो स्वागत किया है, मैं हृदय की गहराइयों से केवल नहीं लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरे भाइयों ने मेरे दिल में एक ही आवाज, वो आवाज आपकी आवाज। मेरे दिल में केवल एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है आपकी विकास की, आपकी प्रगति। और मैंने सदैव कोशिश की है कि जब जब भी मैं क्षेत्र में आऊं, मैं कभी भी खाली हाथ ना आऊं, कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर लेके आऊं। और आज हमारे शहरी समुदाय के लिए, शहरी जनजाति, हमारी आदिवासी समाज जो इस क्षेत्र की पहचान नहीं, मध्य प्रदेश की पहचान नहीं लेकिन हमारी देश की पहचान है, आज तात्य मामा विदेशी ताकतों के विरुद्ध भारत की न्याय की लड़ाई, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी आदिवासी समाज की है। मेरे भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा, तात्या मामा, रघुनाथ दादा, रानी दुर्गावती, हमारे आदिवासी समाज की जितने भी वीर केवल पुरुष नहीं लेकिन महिलाएं हैं, आज स्वतंत्रता इस देश को मिली है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे भाइयों और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने कैबिनेट में, भारत सरकार के कैबिनेट में एक प्रस्ताव ने कराए कि जन जागृति आदिवासी दिवस का आयोजन हर वर्ष को किया जाना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन हर साल हम मनाएंगे। मेरे भाई और बहनों, और आज हमारे बमोरी के सहरिया जनजाति के हमारे लोग जो दशकों से अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, सिर के ऊपर एक छत रहे, अगर वो सपना किसी ने पूरा किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, एक सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की और दूसरी सरकार मध्य प्रदेश के भोपाल में शिवराज सिंह जी ने की मिला के किया है। मेरे भाई और बहनों, चाहे एक तरफ 4,762 घर एक एक शहरिया जनजाति के मेरे भाई और बहनों को आज वो हक आपका दिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। पहली बार देश के इतिहास में